हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। गुनीत मोंगा ने रखी शॉर्ट फिल्म जिंदगी इन शॉर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग। फ्लिपकार्ट और ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर गुनीत मोंगा के अंडर पहली बार बनी 7 शॉर्ट फिल्म जिंदगी इन शॉर्ट की आज एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसे अटेंड किया सानिया मनुत्रा, ताहिरा कश्यप, नेना गुप्ता संग और भी कई सितारों ने। स्क्रीनिंग को गुनीत मोंगा ने होस्ट किया, जहां रेड कार्पेट पर वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आई। यहाँ पहुँचे ज्यादातर स्टार्स अपनी फैमिली संग यहाँ पर पहुँचे थे। सभी इस शॉर्ट फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड नजर आए। सारी गमप्पा लिल चैंप्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुए उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू और मनीष पॉल। सारी गमप्पा लिल चैंप्स जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग कंपटीशन का शो है। शो में पार्टिसिपेट करने भारत भर से बच्चे आते हैं। उन बच्चों की वॉइस क्वालिटी, सिंगिंग टैलेंट और उनके परफॉर्मेंस पर उन बच्चों को जज किया जाता है। अब एक लंबे समय के बाद जी टीवी शो में एक नए टैलेंट दिखाने को तैयार है। सारे गमप्पा लिल चैंप्स के इस बार का स्लोगन है, अब इन बच्चों के हुनर की आंखें सर झुकाएंगी पूरी दुनिया। इस शो को जज करते दिखेंगे अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू। इन तीनों के साथ इस शो को होस्ट करेंगे मनीष पॉल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों जजेस ने नोकझोंक गानों के साथ और तीनों के बॉन्डिंग को देख कर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ बच्चों ने भी आज अपनी आवाज के साथ एक अनोखा मिश्रण सुनाया। मीडिया से बात करते हुए अलका याग्निक, उदित नारायण और मनीष पॉल ने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई और कहा कि इस बार बच्चों को जज करना बहुत मजेदार और मुश्किल होने वाला है। वहीं मनीष पॉल भी अपने होस्टिंग के जरिए ऑडियंस को एंटरटेन करते नजर आएंगे। ये शो जी टीवी पर प्रसारित होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। मैं आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इन तीन दिग्गज के साथ होस्ट करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक इन्होंने एक से बढ़कर एक गाना गाया है, एक से बढ़कर एक अवार्ड जीता है एंड खूब मस्ती यहाँ पे देखने को मिलने वाली है फॉर श्योर। वो मुझे कहा गया था कि पहले आप गा लो फिर साथ में गाना, तो मैंने बोला कि इसके पहले कि शानू जी भाग जाएं क्योंकि उनको जाना था, मैं बोला पहले हम लोग तीनों गा लेते उसके बाद मैं गा लूँगी। और अभी तो बहुत कुछ देखने का बाकी है। उदित जी का आपने एक ही रूप देखा, उनके बहुत रूप हैं, अभी आपको धीरे धीरे निकलेगा बाहर सब। अभी आप देखिएगा कि हम तीनों का कैसा झगड़ा होता है स्टेज पे और क्या हम लोग मजा करेंगे, ताकि लोगों को कितना मजा आएगा उसके बाद। बहुत कुछ होता है, झगड़ा भी होता है, हंसी मजाक भी होता है, लेग पुलिंग भी होती है। आई थिंक हम लोग बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम काइंड ऑफ डिकेड ऑफ म्यूजिक, हमारी म्यूजिक की सेंसिबिलिटीज भी काफ़ी मिलती हैं। और क्योंकि हम लोग ने काम किया इतना एक दूसरे के साथ, तो कम्फर्ट लेवल बहुत है एंड उस पर हम तीनों के साथ सोने पे सुहागा मनीष। क्या बात, मनीष जी साथ में है, क्या बात। मुझे बहुत खुशी है कि जी टीवी में मेरा बेटा उदित, सॉरी जी टीवी में मेरा बेटा आदित्य ने एंट्री की फर्स्ट टाइम और आज वो आप लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है और जी से हमारा ऐसा रिश्ता है कि एक घर जैसा है। इतने वर्षों से वही प्यार, वही सब कुछ है हमारे साथ। और ये जी टीवी जो है आज 25वां साल कंप्लीट किया है और इस खुशी के उपलक्ष में हम तीनों को, ट्रायो को पहली बार साथ में लाए हैं, तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी टीवी का और मज़ा आएगा। 12th रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के रेड कार्पेट में नजर आए बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी। हर साल की तरह एक बार फिर से आज मुंबई में रेडियो मिर्ची अवार्ड देखने को मिला। इस मौके पर ढेरों सारे सिंगर एक्टर प्रेजेंट हुए थे और सभी ने मीडिया से बातें की और बताया कि इनका अपना पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और हमेशा ये कौन से सॉन्ग को गुनगुनाते हैं। इसके बाद सभी ने कुछ एक लाइन भी गुनगुनाए और बताया कि क्यों ये सॉन्ग इनका फेवरेट है। इसके अलावा सभी ने यहाँ पर अपने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी शेयर किया और एक्साइटेड लगे। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है पर क्योंकि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, मूड मेरा अपलिफ्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनकर। दैट्स व्हाई आई एम अटेंडिंग अवार्ड्स, दिस अवार्ड्स। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये मेरा फेवरेट है बिल्कुल। मेरे हिसाब से कबीर सिंह का एल्बम सबसे बेस्ट था और हर अवार्ड उसको तो मिलना ही चाहिए। मैं
मैं बोलूँगा, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी बोल दूंगा कि मुझे लगता है कि फिल्म फेयर में भी मनोज मुंतशिर सर को जीतना चाहिए था तेरी मिट्टी के लिए। आई लव मनोज सर वर्क माई सेल्फ, मेरे गाने लिखे हैं उन्होंने, तो आज मैं नॉमिनेटेड हूँ एक गाने के लिए। गाने का नाम है वो बारिश है, तो वो गाना भी मनोज सर ने ही लिखा है। तो आप इतना खुश हो गए हो, देखो इतने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बोला, ऐसे खुश तो हंसमुख हो गए आप तो। I'm very excited to be here. It's always beautiful to have beautiful and talented people around. We share the same love, which is music. So I'm happy to be here. ये शाम, इस शाम का इंतज़ार होता है पूरे साल. मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ आर फिल्म म्यूज़िक, आर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एंड सारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के मेरे भाई बहन, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त सब आज इधर हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ईच ऑफ दोज सॉन्ग्स जो हमारे श्रोताओं को के दिलों तक पहुँचा है और उन गानों को लोगों ने हर दिन गुनगुनाया है या गाया है या अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल इवनिंग. आई थिंक ज़्यादातर सभी बहुत ही मुझे खुशी है कहने में कि हमारा म्यूज़िक बहुत ही अच्छा और मेलोडियस होते जा रहा है. एक गोल्डन ईयर्स फॉर गुड म्यूज़िक वॉज द 90s, देन अगेन आई थिंक आफ्टर दैट इट हैज़ ओनली प्रोग्रेस. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉस विच वन, बट आई लव ऑल ऑफ देम एंड मे द बेस्ट वन विन टुनाइट. आपको पढ़ के बोलना पड़ अच्छा लग रहा है सर. नहीं नहीं अच्छा अच्छा लग रहा है. पिछले 4-5 सालों में 5 नॉमिनेशन है तो अच्छी बात है. मैं खुद के गाने गाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा. मिथुन सर का एक गाना है, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम. मुझे लगता है इस साल का बेस्ट गाना है. फिल्म भूत द अनवांटेड शिप के स्पेशल स्क्रीनिंग में नजर आए कैटरीना कैफ से लेकर कई सेलिब्रिटीज. इस हफ्ते रिलीज होने वाले फिल्मों में से एक फिल्म है विकी कौशल की फिल्म भूत, जो बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान के साथ क्लैश होगी. और इस हफ्ते की खास बात यही है कि ना सिर्फ दो बड़ी फिल्में बल्कि दोनों बेहतरीन एक्टर बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाले हैं. जहां एक तरफ बधाई हो आर्टिकल 15 बाला जैसे सुपरहिट फिल्म देने वाले आयुष्मान होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उरी, राजी और संजू जैसी फिल्में देने वाले विकी कौशल मौजूद रहेंगे. भूत मूवी की अगर बात की जाए तो ये पार्ट 1 है, जिसकी स्क्रीनिंग आज जुहू में रखी गई, जिससे कैटरीना कैफ से लेकर अनाया, जानवी और नुसरत भरूचा तक हर किसी ने अटेंड किया. सभी इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड नजर आए. बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ. अलविदा. अभी आप अपना लोकप्रिय चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लाइव देख पाओगे. इसके लिए अपने एंड्रॉइड फोन से संबंधित ऐप पर जाकर INBCN सर्च कर फॉलो करें और अपने मन पसंदी साथी शहर में हो रहे सभी खबरों पर कहीं भी बैठे देखें.